हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन के सम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का मीनिंग क्या है। तो आपने इस तरह से पहले तो बच्चों को कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर का मीनिंग क्या है। जैसे आपने कोई भी तीन पिक्चर्स इस तरह से बना देनी है, तो उसमें क्या है, कैट क्या है, बिटवीन है किसके, बॉल और आइसक्रीम के बिटवीन है, बीच में है। एंड आफ्टर मीन्स बाद में, कैट के बाद में क्या है, आइसक्रीम, और कैट के बिफोर कौन है, बॉल। ऐसे ही मैंगो, मैंगो के बिफोर कौन है, एप्पल। एंड मैंगो के आफ्टर कौन है, ग्रेप्स। आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में, सेंटर में, एंड बिफोर मीन्स पहले। और इसी तरह से आप कोई तीन ट्वाइस भी ले सकते हैं, तीन ट्वाइस को रखकर आप उनसे उनका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये है तीन, हम जैसे ये भी इस तरह से ले लेते होते हैं बच्चों के लिए। जैसे अभी क्या है, बिटवीन शॉर्पनर है, आफ्टर पेन है, एंड शॉर्पनर के बिफोर क्या है, पेंसिल है। इस तरह से आप सबसे पहले बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, राइट। ये हम बच्चों को इस तरह से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ये है बिफोर, ये है आफ्टर। अगर हम आफ्टर को हाइड कर देंगे तो ये बिफोर का कंसेप्ट हो गया, अगर हम बिफोर को हाइड कर देंगे तो ये आफ्टर का कंसेप्ट हो गया, राइट। और फिर आफ्टर के नंबर आएंगे इसमें। नाउ सिक्स, व्हाट कम्स बिफोर सिक्स, फाइव, व्हाट कम्स आफ्टर सिक्स, सेवन, फाइव सिक्स सेवन, व्हाट कम्स बिफोर फोर, थ्री, व्हाट कम्स आफ्टर फोर, फाइव, व्हाट कम्स बिफोर फाइव, फोर, व्हाट कम्स आफ्टर फाइव, सिक्स, व्हाट कम्स बिफोर टू, वन, व्हाट कम्स आफ्टर टू, थ्री, एंड व्हाट कम्स बिफोर एट, सेवन, एंड व्हाट कम्स आफ्टर एट, नाइन। बिफोर के सम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो है मेथड। एक तो आप इस तरह से काउंटिंग राइट कर सकते हैं, और एक आप इस तरह से काउंटिंग राइट कर सकते हैं, 1 to 10। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 3, व्हाट विल कम बिफोर 3, वेयर इज 3। अगर इस मेथड से जाना है देन 3 क्या है बिफोर 3 के, 2, 2। और अगर इस मेथड से जाना है तो क्या है इसके 3 के बिफोर, इधर से जाना है 2, राइट। आप इसको बच्चे को इस तरह से तो सर्कल करने के लिए भी बोल सकते हैं कि जो जिस भी जो भी नंबर आना है आप उसको सर्कल कीजिए, ठीक है, इधर से उसको सर्कल कर दो, और उधर से उस बच्चे को बोलो कि आप इधर से राइट कर दो। ये आप जो है 2-3 बार या 3-4 बार ये जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे काउंटिंग के साथ, बाद में फिर काउंटिंग हमने हटा देनी होती है, फिर काउंटिंग नहीं राइट करनी होती है। ये जस्ट बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो है बच्चों ये काउंटिंग राइट की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 के बिफोर क्या आ रहा है, 2। ओके, एंड 7 के बिफोर, व्हाट कम बिफोर 7, 6, 6, उधर से क्या है 7 के बिफोर, 6, 5 के बिफोर क्या है, व्हाट विल कम बिफोर 5, 4 से मतलब ऊपर देखना उन्होंने बच्चे ने, उसमें पहले देखना है 4, एंड व्हाट विल कम बिफोर 10, इस मेथड से देखेंगे तो 9, और इसमें कैसे देखना, इसमें बच्चे को क्या बोलना है, उससे बिफोर क्या देखना उन्होंने, 10 के बिफोर 9, तो उस नंबर के ऊपर से ऊपर देखना उन्होंने 9। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2, व्हाट विल बिफोर 2, 1, एंड
टू से पहले कौन सा नंबर है? वन, वन, राइट। एंड नाउ फोर, फोर के बिफोर कौन सा नंबर है? व्हाट विल कम बिफोर? फोर। थ्री, आगे वाला नंबर देखने, थ्री। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर? सेवन। तो आफ्टर वाले सम्स में बच्चे ने पहले इस डिजिट को बोलना है, इस नंबर को बोलना है सेवन। सेवन बोलने के बाद वो काउंटिंग में खुद ही बच्चा बोलता है सेवन एट, सेवन एट, सेवन। इसमें नीचे वाला देखना है, बिफोर वाले में क्या था, नंबर को ऊपर वाला देखना था, देखना होता है, और आफ्टर वाले सम्स में नंबर को नीचे वाला देखना होता है। सेवन एट। नाउ वन, वन टू, ये नंबर बोलना बहुत जरूरी है। ये अगर बच्चा ये नंबर बोलता है तो वो अपने आप ही इस नेक्स्ट नंबर बता देता है। वन के आफ्टर क्या आता है? टू। नाउ व्हाट विल आफ्टर कम? एट। फाइंड इट, एट, नाइन, नाइन, एट, नाइन। थ्री, थ्री आफ्टर, व्हाट विल आफ्टर कम? थ्री, फोर, थ्री, फोर, थ्री, फोर। इसमें बाद में आता है। सिक्स, व्हाट विल आफ्टर कम? सिक्स, सेवन, सेवन। और अगर इस मेथड से करें तो सिक्स सेवन। आप बच्चों को दोनों अलग अलग मेथड से भी ये बता सकते हैं काउंटिंग, अगर दोनों में बच्चे को अगर कंफ्यूजन लगती है तो एक बार आप इस मेथड से समझा दीजिए, आप एक बार इस मेथड से समझा दीजिए, और एक बार जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर्स तीन बनाकर आफ्टर बिफोर बिटवीन जैसे मैंने आपको बेबी दिखाई है, या कोई ट्वाइस लेकर आप उस तरह से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन फोर, व्हाट विल आफ्टर कम? फोर, फोर, फाइव। ये नंबर बोलना बहुत जरूरी है, फाइव, फोर, फाइव।